देखो सॉन्ग लिखना कितना ज़रूरी है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप सॉन्ग लिखने की सोच रहे हैं तो फिर ऐसा लिखें कि लोग ये कहें मज़ा आया। पर इस मज़े के अंदर आप ये मत सोचना कि यार लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, अदरवाइज़ लिखेंगे ही नहीं। नहीं, लिखना स्टार्ट कीजिए, एक सॉन्ग बेकार होगा, दूसरा बेकार होगा, तीसरा बेकार होगा, लेकिन चौथे पाँचवें सॉन्ग में जनता यही बात कहेगी। तो अच्छा सॉन्ग लिखना कैसे है, सवाल यहाँ पर है। बेसिकली क्यों लिखना है ये तो आपको जरूर क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सॉन्ग क्यों लिखना ज़रूरी है। जितने भी सिंगर्स आप उठा के देख लो, कोई भी दूसरों के गानों को नहीं गाता, सब अपने गानों को ही गाते हैं। वो अलग बात है, या उनके जो लिरिक्स यानी लिखने वाले जो राइटर अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका गाना खुद का ही होता है। अब जितने भी नए सिंगर्स हैं जो अभी आ रहे हैं फील्ड के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, गाए हुए गानों को ही गाते हैं और बताते हैं कि भाई वो एक काफ़ी पॉपुलर सिंगर बन जाएंगे। गाइस, जब तक आप अपना गाना लिख कर, कंपोज कर गाकर डालोगे नहीं कहीं भी, किसी भी चैनल के ऊपर, ज़रूरी नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पे आप डाल सकते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जब तक आप नहीं डालोगे तब तक वो वायरल होगा नहीं, तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं। मोस्टली पंजाबी सिंगर किसी भी ऑडिशन के चक्कर में नहीं रहते, किसी भी शो के चक्कर में नहीं रहते, वो अपना गाना बनाने के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए पंजाब के अंदर बहुत सारे सिंगर्स आपको मिल जाएंगे, हरियाणा हो या फिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मोस्टली जो सिंगर्स होते हैं वो गाना अपना बनाते हैं और लॉन्च कर देते हैं, देन उसके बाद फेमस होना ना होना वो तो उनके गाने के ऊपर होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपने सिंगर्स देखे होंगे जो किसी भी रियलिटी शो में नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज उन्होंने अपना गाना बनाया और आज उनका गाना वायरल है, जिसकी वजह से वो फेमस है। लेकिन जो सवाल है वो यहाँ पर ही रुक जाता है कि गाना तो आप गा लोगे, बट गाना लिखना भी तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी दूसरे का गाना गाएंगे तो फिर आपको वो क्रेडिट, वो पॉपुलरिटी नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। तो आप स्टार्टिंग शुरुआत कर सकते हैं दूसरों के गाने से, लेकिन जो सक्सेस है वो आपको आपके ही गाने से मिलेगी। अब लिखना कैसे है वो चीज़ें जान लेते हैं, जितना मुझे पता है वो आपके सामने शेयर जरूर करूँगा। अच्छा सॉन्ग लिखने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस बता रहा हूँ, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, वो है रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, रीडिंग करना जितना ज़रूरी होता है उतना कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। अब आप बोलोगे रीडिंग ही क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न है कि जो आपकी वोकेबलरी है वो बढ़ जाती है, आपको नए नए सेंटेंस, नए नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को रीड करते हैं तो आपको वो सब कुछ दिखेगा जो कभी भी सुनने में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, सुनने से वो चीज़ें नहीं पता चलती जो रीडिंग करने से पता चल जाती हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो ये वादा करती हैं कि हम इन बुक्स को आपको सुनाएंगे, तो आपको बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सुनकर ही पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपका टाइम बच जाएगा। बट वो ये बात नहीं जानते कि उनका बिजनेस भी खुद रीडिंग से ही चल रहा है। पहले वो रीड करते हैं, उसके बाद उसकी स्टोरी बनाते हैं। बेसिकली जब आप रीडिंग करते हैं तो दो चीज़ फोकस में आती हैं, एक देखना और एक बोलना। लेकिन अगर आप रीडिंग नहीं करते, सिर्फ लिसनिंग करते हैं, तो सिर्फ आपके जो कान हैं वही फोकस में रहते हैं। बेसिकली ऐसा बोला जाता है, बॉडी के जितने ऑर्गन्स आपके फोकस में रहेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आप अगर फोकस करते हैं तो फिर आप ऑब्जर्व भी अच्छा करेंगे, और सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की होगी तो आप कोई भी सॉन्ग अच्छे से लिख सकते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि आप एक वर्ड से पूरा गाना बना सकें और एक पूरे गाने को एक वर्ड में ख़त्म कर सकें। लेकिन अगर आप ये बात सीख जाते हैं तो फिर गाना लिखना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जैसे आप एक गायक का प्रस्ताव लिख रहे हैं। वैसे तो जो ये चैनल है इसके ऊपर मैं आपको ऑडिशन टिप्स देता हूँ कि भाई सिंगिंग ऑडिशन में कैसे जा सकते हैं, डांसिंग में कैसे जा सकते हैं, रियलिटी शो, मॉडलिंग, एडवर्टाइजमेंट में आप कैसे जा सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपको अपनी तरफ से भी देता रहता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई आप जो गाना लिखते हैं उसको कॉपीराइट कैसे कराएं, उसको अपना कैसे बनाएं ताकि कोई दूसरा आपके उस सॉन्ग को चुरा ना ले, ये अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसके ऊपर भी मैं आपको 4-5 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ ये एक लंबा प्रोसेस है, और अगर आप इस लंबे प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो भाई एंड ऑफ द कंक्लूजन मैं यही निकालूंगा कि अगर आपको कोई गाना लिखना है तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है कि भाई आप किसी गाने को सुनते हैं।
सुनने से चीज़ें क्लियर तो होती हैं, लेकिन पढ़ने से यानी कि रीड करने से वो बात समझ में आती है जो आप अपने गाने में उतार सकते हैं। तो गाइस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए और अपने गाने लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगर बड़ा सिंगर वास्तव में बनना है तो फिर ये स्टेप तो आपको उठाना ही पड़ेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।